भाई साहब पानीपत पर हम लगातार सेक्टर 13-17 हुड्डा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज हर कोई केसरी रंग की संतरी रंग की पगड़ी जो है सिर पर रखे सजाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ये एक पगड़ी के लिए सेक्शन बनाया गया है अलग से। यहाँ पर चाहे कोई मंत्री आ रहा हो, चाहे कोई अधिकारी आ रहा हो, चाहे कोई आम आदमी हो, जिसकी जो इच्छा है यहाँ पर पगड़ी बांध के जो है यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से बड़ी अच्छी तस्वीरें जो है लाइव तस्वीरें आप जो है शेयर कर रहे हैं। देवेंद्र कथुरिया जी जो है टोटल टीवी के ब्यूरो भी हमारे साथ हैं। पगड़ी बनवाना आयो जी? पगड़ी से ज़्यादा मैं आज गुरुओं के प्रति हमारा जो ऋण है उसको उतारने आया हूँ। सिख गुरुओं ने जो संघर्ष किया, त्याग किया, जो बलिदान दिया, इस धरती पे कोई नहीं दे सकता। बहुत प्रभावित हूँ, सिखों को प्रणाम करने वो ऋण को उतारने आया हूँ आज। लेकिन लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पगड़ी की लाज रखना, चाहे वो नॉन सिख है चाहे सिख है, वो तभी धर्म है। बिल्कुल, पगड़ी हमारी जान से ज़्यादा प्यारी है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, मेरा तो मन कर रहा है मैं भी सिख बन जाऊँ, हालांकि उसके लिए प्रोटोकॉल होता है। मेरा भी मन करता है मैं सिख बन जाऊँ, शायद ऐसा हो भी जाए। तो आज सारे आए हुए, बड़े बड़े ग्रंथी आए हैं, बड़े बड़े महान संत आए हैं, तो आज स्टेज पर यही अनाउंस करवा देते हैं। मैं तैयार हूँ अगर प्रोटोकॉल इस बात की इजाजत देता हो। किस तरह का प्रोटोकॉल? मेरे को याद है मैं दिल्ली में रहता था बहुत साल पहले, बीएल शर्मा प्रेम पूर्वी दिल्ली के, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बीएल शर्मा प्रेम पूर्वी दिल्ली के सांसद थे, वो अपनी जिंदगी में सिख बन गए थे, केस धारण किए थे। मैं भी इसके लिए तैयार हूँ अगर प्रोटोकॉल इजाजत दे। प्रोटोकॉल तो आपके मन की इच्छा होनी चाहिए जी, आपने धर्म अपनाना है तो आप अपना सकते हैं। आप इस मंच से उद्बोधन कर दो, मेरे इस फैसले का जिक्र कर दो, मैं तैयार हूँ। क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था है, बड़े बड़े संत हैं, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप चाहो तो अनाउंस कर दो, मैं इस पे अमल करके दिखाऊंगा। चलो कोशिश करेंगे। आज के इस आयोजन के बारे में कुछ कहना चाहिए जी, जो इतने बड़े स्तर पर यह आयोजन हो रहा है। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आयोजन इसी जगह से किया था। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी परली तरफ आए थे, वो आयोजन भी भव्य था। लेकिन मेरे को लगता है ये पानीपत का सबसे बड़ा आयोजन है, और आयोजन सामाजिक और धार्मिक है। हमारे लिए एक सबक है कि सिख गुरुओं के प्रति आज ऋण उतारने का एक मौका है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी लगी इस सरकार में है कि हरियाणा सरकार का कहीं भी, बीजेपी की सरकार है लेकिन बीजेपी का कहीं भी सिंबल नहीं है, तो इसलिए लोग बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं, विपक्षी पार्टियां खासतौर पर यहाँ पर। ये अच्छी बात है, आयोजन सरकारी है, सरकार की तरफ से व्यवस्था है, लेकिन सरकार अगर इसमें अपना कुछ लोगो या कुछ करती तो वो फिर मामला पॉलिटिकल होता। नहीं हुआ, एक सरकार के प्रोग्राम को सामाजिक रूप दिया गया है, समाज के लिए गुरुओं को समर्पित है। सरकार का भी धन्यवाद है कि इतने बड़े स्तर पर इतना भव्य आयोजन किया, सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ। आज पगड़ी बनवाने आए? पगड़ी बनवाने आए हूँ क्योंकि मेरा जज्बा इतना है, मेरे को लगता है कि पगड़ी पहन के सिख धर्म के प्रति आज एक जज्बा दिखाने का मेरे लिए मौका है, और सिखों का ऋण उतारने का, सिख गुरुओं का एक मौका है मेरे पास। ये हमारे पत्रकार साथी हैं और हर कोई चाह रहा है कि जो भी आयोजन में आए सिर पे केसरी पगड़ी बांध के, संतरी पगड़ी बांध के, गुरुओं की जो पगड़ी है वो बांध के एक बार नतमस्तक हो गुरु ग्रंथ साहब के सामने। ये पगड़ी का सेक्शन है, बहुत बढ़िया जो आयोजन है आज पानीपत में हो रहा है। तो इस पंडाल में तमाम जो बड़े बड़े संत हैं वो आपको थोड़ी देर बाद नजर आएंगे। तो ये अब तैयारी जो है की जा रही है इनको पगड़ी बांधने की, तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें क्योंकि ये ऐतिहासिक तस्वीरें बहुत कम होता है जब आप कैमरे में जो है कैद होती हैं। पगड़ी बंधन का विचार कितना आया और किन किन पगड़ियाँ बांध रहे हैं? पगड़ी बंधन का विचार जो पहले दिन तो ही पता लगा कि इन्ना वड्डा समागम हो रहा है, तो डी साहब तो संजय पाटिया हरियाणा सरकार वाले सी कि जो भी आ रहा है उस सिर पटन से पटका साफा से पगड़ियों का पूरा इंतजाम होना चाहिए, जिंदे वास्ते 25,000 सिर के बंधन वाले पटके और 25,000 पिछले गड़बड़ जिन्हें अगर खालसा खंडे ने वो इंतजाम किए गए, 50,000 और 500 पगड़े के इंतजाम किया गया। कोई भी जोड़ा भी आता जिन्हें सिख बनने का एक चाह है, इन्हें बलिदानी देख के भी सिख बन के ऐसा महसूस होंगे है, वो पगड़ी बंध के आप जी ने देखा किन्ने खुश हो रहे हैं, उन्होंने मन च फोटो खिंचवा रहे हैं, सैल्फी ले रहे हैं, तो नाल इन्होंने अभी भी इन्नी भी बेनती की है जो पगड़ी बंध रहे पगड़ी नाल लाज भी जरूर रखना, तो लाज किमें रखनी है, किसी मजलूम की मदद करके किसी बेसहारे को सहारा दे के ये थोड़ी मदद करना, यही पगड़ी की शान, यही पगड़ी की मान है। ये ऑर्गेनाइज थोड़े वालों किया गया, पगड़ियाँ थोड़े को लाइया गया, क्या इन्होंने प्रोवाइड करवाई? हाँ, ये सारा प्रशासन मिलकर से दोनों मिलकर सारा प्रोवाइड किया है। तो यह जी सिख संगत इतने जो अपना जुटे हुए हैं, तो इस वीडियो में शेयर जरूर करते रहो क्योंकि इतिहासिक तस्वीर कई बार कैद होंगे और सिख नॉन सिख जो भी इतने आ रहे हैं और
पगड़ी बनवा के जरा है पंडाले जा सकते हैं। तो जुड़ो रहो वॉइस ऑफ पानीपत नाल, होर भी जिन्हें भी अपडेट है असं दिखाने की कोशिश करा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ।